अब बात करते हैं मिलेट्स की। आपको ये तो याद ही होगा कि 2023 को ईयर ऑफ मिलेट्स के नाम पर घोषित किया गया है यूनाइटेड नेशंस ने। और ये भी आपको बता दें कि भारत जो है मिलेट का बड़ा उत्पादक देश है। और इन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मिलेट की इम्पोर्टेंस इस वक्त काफ़ी हद तक बढ़ती हुई भी दिख रही है, सिर्फ देश में ही नहीं विदेशों में भी। मिलेट यानी मोटे अनाज की अहमियत जो है वो समझी जा रही है। अब जीएसटी काउंसिल की फिटमेंट कमेटी ने इसी मिलेट यानी मोटे अनाज के प्रोडक्ट्स पर जीएसटी हटाने पर चर्चा भी शुरू कर दी है। हमारे सूत्रों के मुताबिक ये खबर हमें मिली है, और पूरी खबर क्या है इस पर और ज़्यादा रोशनी डाल रहे हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से जीएसटी काउंसिल के फिटमेंट कमेटी ने मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स के ऊपर जीएसटी की दरें कितनी होनी चाहिए उस पर चर्चा की शुरुआत कर दी है। दरअसल चर्चा इस बात पर हो रही है कि आखिर वो किस तरह की मेथडोलॉजी हो जिसके आधार पर ये निर्धारित की जाए कि आखिर किसी प्रोडक्ट में अगर मिलेट का भी इस्तेमाल किया गया है और दूसरे आइटम भी हैं उस पर जीएसटी की दरें कितनी हो। लिहाजा फिटमेंट कमेटी जो है उस मेथडोलॉजी पर चर्चा कर रही है और एक फाइनल नतीजे पर पहुँचने के प्रयास जो है वो कर रही है। जैसा कि आपको पता है कि पिछली जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा हुई थी, लेकिन काउंसिल ने कोई फैसला नहीं किया था और इस प्रस्ताव को फिटमेंट कमेटी के पास भेज दिया था, खासकर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि काउंसिल के पास इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि आखिर किसी मिक्स ऑफ प्रोडक्ट में मिलेट का भी इस्तेमाल किया गया है तो आखिर उस पर जीएसटी की दरें क्या हो, इस पर आम सहमति नहीं बन पाई, लिहाजा इस पर फैसला नहीं हो पाया। अब फिटमेंट कमेटी ने इस पर चर्चा की शुरुआत कर दी है। सूत्र में इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि जीएसटी की जो दरें हैं मिलेट आइटम के ऊपर उसको घटाकर 0% किया जा सकता है 18% से, खासकर वैसे मामले में जहां पर कि खुदरा बिक्री की जा रही है मिलेट प्रोडक्ट्स की। लेकिन जीएसटी की दरों को घटाकर 5% किया जा सकता है 18% से, खासकर उन मामलों में जहां पर प्री पैकेज्ड आइटम की बिक्री हो रही है। सूत्र बता रहे हैं कि इस प्रस्ताव पर जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में चर्चा हो सकती है और उम्मीद की जा रही है कि मई महीने के आखिर में जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक हो सकती है। जैसा कि आपको पता है कि सरकार का ये कोशिश कर रही है कि ओवरऑल कंजम्पशन में मिलेट के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाए। कई तरह के प्रयास पहले भी किए गए हैं, कई तरह के फैसले सरकार ने किए हैं और अब प्रयास ये किया जा रहा है कि मिलेट के ऊपर जो जीएसटी की दरें हैं उसमें भी कटौती की जाए। बेहद ही अहम जानकारी, और इस जानकारी से जुड़ी सारी की सारी डिटेल्स प्रकाश आपका हम तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया।